तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, कल था कि इसको बिग बॉस में एज अ गेस्ट बुलाया गया था, जहां पर उन्होंने फुकरे इंसान को ज्यादा सपोर्ट किया था इस कंपेयर टू एल्विस यादव, जिसके बाद से था कि इसको ट्विटर और इंस्टाग्राम पे एल्विस यादव के फैंस के थ्रू सिर्फ गालियां पड़ रही थी। तो अभी उन्होंने इसी चीज को क्लियर करते हुए वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जहां पर बताएं कि मुझे फुकरा का एज अ फ्रेंड बुलाया गया था और वहां पर मुझे पहले ही बोल दिया गया था कि तुझे सिर्फ फुकरा के बारे में ही बातें करनी है। तो उन्होंने इस चीज को और भी क्लियर करते हुए क्या कहे, आप लोग खुद देखिए। किसके पास रहना चाहिए घर में? मैंने बोला अभिषेक को सिस्टम के पास रहना चाहिए। क्या है, घर तो 3 हफ्ते में बंद हो जाएगा है? सिस्टम तो चलता रहता है ना, साथ में रहना चाहिए। मैंने बोला, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मुझे मिली ट्विटर पे गालियां। साला अच्छा करने जाओ, साला गाली मिलता है। साला कुछ भी करो, गाली खा रहा हूँ मैं है? अब समझा टिकटॉकर्स को कैसा लगता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिसकी वजह से मेरे को गालियां पड़ रही है कि एल्विस यादव को मोटिवेट क्यों नहीं किया। तो एल्विस यादव को सपोर्ट नहीं करता है, वो भी तो यूट्यूब कम्युनिटी में से। अरे मेरे दोस्त, आप मेरे पिछले 3 वीडियोस देख लो, किसको सपोर्ट कर रहा हूँ ना, फुकरा एल्विस को। अब वहां पे क्या होता है, स्ट्रिक्टली मुझे एज अभिषेक का फ्रेंड बुलाया गया था, ठीक है। तो मुझे अभिषेक के बारे में बात करनी होती है। स्ट्रिक्टली मुझे बोला गया था बैक स्टेज कि अभिषेक के बारे में ही बात करो, ओके, बिकॉज आप अभिषेक के फ्रेंड हो। उधर जाके शाना वही कर क्या, अभिषेक के बारे में बात किया। बट अभी यूट्यूबर है तो थोड़ा सा तो मैंने एल्विस की साइड ये भी बोला कि साथ में रहो, बोला ना, जबकि मेरे को बोला था नहीं बोलने का। बाकी गाइस, आप लोगों को थगेस को लेकर आप लोग अपना क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।